अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलते रहेंगी। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही रेसिपी में बताने जा रहे हैं डायनामाइट प्रॉन्स, लेकिन मेरी तरीके से। मैंने हाफ के जी प्रॉन्स ली हूँ, उसको अच्छे से साफ करके धोकर रखी हूँ। इधर बीच में से मैंने कट करके जो ब्लैक लाइन होती है वो भी निकाली हूँ। सब प्रॉन में से हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए 4 टीस्पून रेड चिल्ली कश्मीरी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और मुझे तिल चाहिए होगा, और मुझे 6 टेबलस्पून मैदा और 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, रेड चिल्ली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें वरना नहीं डालें, 2 अंडे, और मुझे सोया सॉस चाहिए होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सॉस बनाते हैं, इसके साथ हम डायनामाइट जो प्रॉन्स है सर्व करेंगे। तो हम इसके लिए मायोनीज नहीं यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करें, ये चिकन क्यूब्स मैंने लियो एक, और इसको एक फ्राई पैन में डाल के और 1/2 कप जितना वाटर डाल के हम इसको ज़रा मेल्ट करेंगे। और इसके लिए आगे क्या चाहिए मैं आपको बताऊँ। चिल्ली सॉस 2 टेबलस्पून, हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, और स्वीट एंड सा सॉस 2 टेबलस्पून, और सॉल्ट हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, क्योंकि सब इसमें सॉल्ट थोड़ा है। हॉट सॉस में भी सॉल्ट है, चिल्ली सॉस में भी सॉल्ट है, जो हमने चिकन क्यूब्स डाले उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, देखो वो उधर मेल्ट हो रहा है। आप देखें, एक अलग तरीके से मैं आपको एक सॉस बता रही हूँ, मायोनीज वाला सॉस नहीं है, कि हम थोड़ा सा एक पिंच खाली सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम यहाँ पर चिल्ली सॉस ले लिया, ठीक है, हॉट सॉस हम डालेंगे लेंगे भी, सब एक बाउल में एक मिक्सचर तैयार करूँगी। हनी लिया हमने, ठीक है, स्वीट एंड सा सॉस लेंगे, मेजरमेंट करके लेंगे, और एक पिंच हम इसमें ब्लैक पेपर जो हमने आपको बताया उसी में से थोड़ा ब्लैक पेपर इसमें भी डालेंगे। सारा हमने डाल दिया मिक्सचर, और ये पानी यहाँ पर बॉइल हो रहा है, इसके अंदर हम जो हमारा स्टॉक बन चुका है वो उसमें डाल देंगे। इतना ज़बरदस्त सॉस हमारा रेडी हो रहा है। इसमें हम एक पिंच ऑरेंज रेड कलर डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें वरना नहीं डालें, ठीक है। अब इसमें लास्ट में हम 1/2 टेबल स्पून जितना बटर डाल देंगे। ये हमारा सॉस हो गया रेडी, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसका मैं आपको बता नहीं सकती। और 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसको थिक होने देंगे, जब तक हम यहाँ पर मैरिनेट कर दें प्रॉन्स। इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, गार्लिक पाउडर डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 टीस्पून जितना सोया सॉस डालेंगे, ज़्यादा सोया सॉस नहीं डालेंगे इसमें। और यहाँ पर फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं, ये अच्छा थिक हो चुका है, ठीक है। तो इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं चाहिए। आप देखें, और टेस्ट इतना ज़बरदस्त है मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आगे आपको बताएं। इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे, तो ज़रूर लगेंगे, सर्विंग बाउल में डाल देंगे। एकदम अलग से सॉस है हमारा रेडी। अभी हमने एक अंडा डाल दिया और एक अंडा हम डाल देंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर और मैदा जो मेजरमेंट करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। थोड़ा मैंने मैदा फिर भी बचा ली हूँ,
पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो हमने सारा मैरिनेट करके रख दिया। अभी हम एक ही लेंगे और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं ली हूँ, बहुत कम भी नहीं ली हूँ। डीप फ्राई हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा शैलो फ्राई टाइप हम करेंगे। ऑयल एकदम गर्म चाहिए हमारे लिए, बिल्कुल भी ठंडा ऑयल नहीं चाहिए हमारे को। सारे प्रॉन्स फ्राई करते हैं और अभी आगे आपको बताते हैं। फ्राई करेंगे ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपी मिलते रहेंगे। और वाकई में मेरा चैनल अच्छा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कीजिए तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। इतने अच्छे से हमारे प्रॉन्स फ्राई हो रहे हैं एकदम क्रिस्प हो चुके। अभी आप लोग ऐसे ही बनाना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है। और मैंने कितने कम तेल में इसको फ्राई करी आप देख रहे हैं, ज़्यादा तेल की हमको ज़रूरत नहीं है। कम तेल में भी हम इसको अच्छे से क्रिस्प कर सकते हैं। जब हम डालेंगे जब हमको इसको फ्लेम हाई रखनी है और थोड़ी देर बाद फ्लेम को लो कर देना है ताकि लो फ्लेम पर अच्छे से अंदर से प्रॉन्स हमारे बन पक जाए। इसको अच्छे से हम इसका तेल निकालेंगे। आप इसके ऊपर ही ऑप्शनल है, अगर आपको तिल डालना है तो डालें ना वरना नहीं डालें ठीक है। और हमने जो सॉस रेडी कर रहे हैं वो आप इसको इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं या तो आप थोड़ा सा छोटा एक स्पून इसके ऊपर जब सर्व करते हैं तो उसको ऐसे ड्रिजल करके आप दे सकते हैं। एकदम यमी सॉस है। आप लोग भी ऐसा बनाना और मुझे जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़।